तो आई गेस तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस एट सीरीज के बारे में। तो ये जो सीरीज है ये इंडिया में पता नहीं कब लॉन्च होगी, लेकिन ग्लोबली जो है वो आज लॉन्च हो चुकी है। तो होपफुली ये वीडियो आपको लॉन्च इवेंट से पहले ही देखने को मिल रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लॉन्च इवेंट से पहले आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ होगी वन प्लस एट सीरीज की स्पेसिफिकेशंस, कैसा होगा ये फोन, क्या होगा इसके कुछ फीचर्स और क्या प्राइस पॉइंट पे आता है फोन। तो आज वीडियो में हम वही बात करने जा रहे हैं। चलो बिना वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन प्लस एट की। तो वन प्लस एट की जो डिस्प्ले है वो हमें 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस वाली फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कर्व्ड जो है आपको जैसे सैमसंग S8 एज आता है या फिर S10 की जो होती हैं वो जो है आपको कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। आपको इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अब अगर इसमें हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया रहता, पर 90Hz का भी कम नहीं होता। इसका मतलब है आपके जो एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथली परफॉर्म होंगी। इस डिस्प्ले में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जो कलर्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट आएंगे। अगर हम बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो हमें यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिल जाता है, जिसके साथ हमें यहाँ पर ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड भी है। इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिलता है, जिसका मतलब है हमें इसमें 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो हमें यहाँ पर 4300 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता हमें, वो थोड़ी मुझे दुख की बात लगी। लेकिन जो हमें इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि है वॉप चार्जिंग 30T का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। मतलब आपको 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपका फ़ोन जो है 1-1.5 घंटे के आसपास आपका फ़ोन फुली चार्ज कर देगी। बस यार मुझे थोड़ी दुखी की बात ये लगी कि अगर वायरलेस चार्जिंग देते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। अगर हम बात करते हैं इसके कैमरास की, तो हमें यहाँ पर 48MP का सोनी MX586 वाला सेंसर देखने को मिलता है। 48MP का आपको कैमरा लेंस देखने को मिलता है और इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है। इमेज प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया आने वाली है, बट यहाँ पर अगर हमें 64MP का सेंसर देते तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया होता, बट 48MP का भी हम इतना बुरा नहीं कह सकते। और प्राइमरी लेंस की अगर 48MP के प्राइमरी लेंस की आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो आपको 4K 60fps में जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और EIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो मतलब आप जब इसको रिकॉर्डिंग करोगे तो फ़ोन जो वीडियो है वो काफ़ी शेकी जो है नहीं आएगी। इसमें आपको 16MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा और 2MP का तो मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। आपको इसमें सुपर स्लो मोशन भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फ़ोन की डिज़ाइन की, तो हमें इसमें बैक पे ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि एक 3D गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। मतलब इसकी जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड है, इस वजह से इसमें आपको 3D गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपका अगर फ़ोन गिरेगा टूटेगा तो है ही, बट आपके दिल को ज़्यादा शांति देखने को मिलेगी। इस फोन में आपको सेंटर में कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और फ्लैगशिप फोन्स में हमें सेंटर में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, अगर हम आईफोन की बात ना करें तो। ये हमें 8mm के थिकनेस पे देखने को मिलता है, और ये जो फ़ोन है 180g का है, मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं और ज़्यादा हल्का भी नहीं आप इसको कह सकते हो। अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो हमें इसमें NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ, वाईफाई तो यार आपको पता ही है इसमें फ़ोन में होनी है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि आजकल 15,000 से 20,000 के फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है। और इसमें जो बुरी बात मुझे लगी वो ये है कि आपको इसमें 3.5mm जैक जो है नहीं देखने को मिलते हैं। अब यार 8mm की थिकनेस है और मुझे लगता नहीं कि थिकनेस की वजह से वो निकाला गया है, लेकिन आजकल नहीं आ रहा फ्लैगशिप फ़ोन्स में, और मेरे ख्याल से उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए शायद OnePlus ने भी निकाल दिया। तो अगर हम बात करते हैं OnePlus 8 Pro की, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको लगेगा, बस थोड़े से फीचर्स ऊपर हैं इसके, ज़्यादा कुछ इतना खास फर्क नहीं है, बट जब प्रो वेरिएंट है तो थोड़े फीचर्स जो है अपग्रेड करे हुए हैं। तो इस फ़ोन में आपको 6.78 इंच की जो है बहुत टॉल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें QHD+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि आपकी जो डिस्प्ले है वो 4K तक की वीडियो जो है चला सकती है। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन लोग जो है फ़ोन पे 4K वीडियोस देखते हैं, बट काफ़ी बंदे होंगे जो 4K वीडियो देखते हैं, लेकिन हमें इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। HDR10+ का सपोर्ट इसमें भी आपको देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट सेम सी डिस्प्ले है, बस रिफ्रेश रेट
इस फ़ोन का रिफ्रेश रेट अच्छा है और जो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि इसमें आपको QHD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। बस जो हमें OnePlus 8 में LPDDR4X वाली रैम देखने को मिल रही थी, यहाँ पर हमें LPDDR5 वाली रैम देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 865 है, 5G सपोर्ट करता है ये, और इसमें UFS 3.0 की स्टोरेज है। दोनों फ़ोन में आपको जो है UFS 3.0 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो कि इतनी बढ़िया बात तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि UFS 3.1 भी आ सकती थी, बट अब UFS 3.0 दी है तो वो भी इतनी बुरी तो नहीं होती। बैटरी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें 4510 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको सेम ही चार्जर देखने को मिलता है, फास्ट चार्जर, बट इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें हमें 30W का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी आपको 30W की देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग भी आपको 30W की देखने को मिलती है। वायरलेस चार्जर जो है यार, ज़्यादातर कंपनीज जो है बॉक्स के अंदर नहीं देती है, वो यहाँ पर शायद OnePlus भी करेगी, बस आपको इसमें सपोर्ट ही मिलेगा, आपको जो वायरलेस चार्जर है वो अलग से बाय करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके कैमरा की, तो यहाँ पर हमें 48MP का जो है कैमरा देखने को मिल जाता है। बस जो इसका सेंसर है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है, इसमें हमें सोनी IMX689 वाला सेंसर देखने को मिलता है, और OnePlus 8 में हमें सोनी IMX586 वाला सेंसर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर हमें 48MP का ही यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके ज़्यादा वाइड करेगा और जो इमेज की जो साइड में से डिस्टॉर्शंस होती हैं वो भी हल्की सी रिमूव करेगा, और मतलब जो अल्ट्रा वाइड फोटो आएगी वो आपको सेम ही लग सकती है जैसे प्राइमरी लेंस आएगी। और यहाँ पर आपको 8MP का जो है टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सेल्फी की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों फ़ोन में, मैं पिछले की बताना भूल गया था OnePlus 8 की, दोनों फ़ोन में हमें जो है 16MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, बिल्कुल सेम है। 1080p 30fps पे जो है रिकॉर्ड कर देती है, और ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें अगर हम रियर कैमरा की, तो उसमें भी हमें OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और 4K 60fps पे आपको और 4K 60fps पे जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते। तो डिज़ाइन वगैरह ऑलमोस्ट सब सेम है, बस इसका प्रो वेरिएंट है तो हल्की सी चीज़ें अपग्रेड करी हुई हैं, और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम ही है। वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ और 3.5mm जैक इसमें भी नहीं है। बस जो आपको ध्यान में बात रखनी है वो ये है कि इसमें आपको जो ये फ़ोन है वो 199g का है, और इसकी जो थिकनेस है वो 8.5mm है। तो अगर हम लास्ट में बात करते हैं प्राइस की, तो मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो लॉन्च इवेंट से पहले शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे प्राइस तो नहीं कंफर्म पता, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना लॉन्च इवेंट के बाद में अगर आपको प्राइस जाननी है। तो अगर आप वीडियो लॉन्च इवेंट के बाद देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हो, क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस आएंगे स्पेसिफिकेशंस वगैरह में तो मैं यहाँ पर नीचे अपडेट कर दूंगा आपको। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लॉन्च इवेंट के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से चेक कर लेना, हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए।